नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फाइनेंशियल अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइन डीएलएम आईपीओ के बारे में। आप सभी को बताएं आईपीओ मार्केट में इस टाइम बूम आ चुका है और लगातार आईपीओ आ रहे हैं। अभी अगर रिसेंटली ही हम बात करें आईक्यू लाइटिंग आईपीओ की, तो आप सभी ने देखा वहां पर कितने अच्छे गेन देखने को हमें मिले, और आपके सामने आइडिया फर्स्ट टेक्नोलॉजी जहां पर काफी अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। लेट सी कि क्या साइन डीएलएम आईपीओ में भी अच्छा गेन मिले। तो ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर दबाओ ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी को मिल पाए। तो चलिए दोस्तों आज की आईपीओ रिव्यू वीडियो शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे यहां पर कंपनी के बारे में। बेसिकली ये कंपनी करती क्या है, तो कंपनी का नाम है साइन डीएलएम और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1993 में, और ये एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यानी जो प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस। आगे बात करते हैं, कंपनी प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एज बिल्ड टू प्रिंट यानी B2P, बिल्ड टू स्पेसिफिकेशन यानी B2S। उसके साथ साथ कंपनी कहां कहां पर डील करती है और क्या इनके प्रोडक्ट्स है इसको ध्यान से समझते हैं। कंपनी बनाती है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स जिसको हम असेंबली भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें कंपनी डील करती है केबल हार्नेस में, और साथ में कंपनी बॉक्स बिल्ड करती है विच आर यूज इन सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम सच एज कॉकपिट्स, इन फ्लाइट सिस्टम, लैंडिंग सिस्टम एंड मेडिसिन डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट। ध्यान से सुनो, काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट यहां पर कंपनी बनाती है। कंपनी बॉक्सेस बनाती है, किसके लिए बनाती है, सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम के लिए बनाती है, जिसमें से यूज कहां पर होता है, कॉकपिट्स में यूज होता है, यानी जो एयरप्लेन के कॉकपिट्स होते हैं वहां यूज होता है, इन फ्लाइट सिस्टम्स में यूज होता है, मेडिकल डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट में यूज होता है और लैंडिंग सिस्टम में यूज होता है। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो काफी अच्छी अच्छी जगह यहां पर यूज होते हैं। आगे बात करते हैं जो कंपनी के क्लाइंट्स हैं, उसमें इंक्लूड करते हैं हनीवेल इंटरनेशनल जो कि काफी बड़ी कंपनी है, और उसके साथ साथ थेल्स ग्लोबल सर्विस कंपनी भी यहां पर इंक्लूड करती है, ABB कंपनी भी यहां पर आती है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी इनके जो है क्लाइंट है, और भी काफी सारी कंपनीज इनके क्लाइंट्स हैं यहां पर। अब हम आगे डिस्कस करते हैं आईपीओ की बेसिक डिटेल्स के बारे में। तो देखिए आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुका है 27 जून को और क्लोज होगा 30 जून को। फेस वैल्यू की बात करूं तो ₹10 पर शेयर की फेस वैल्यू है। आईपीओ प्राइस बैंड की बात करूं तो ₹250 से ₹265 पर शेयर का यहां पर प्राइस बैंड है। लॉट साइज की बात करूं तो 56 शेयर्स का यहां पर लॉट साइज है। टोटल इशू साइज है 592 करोड़ और फ्रेश इशू है 592 करोड़, यानी ये कोई भी ओएफएस आईपीओ नहीं है, यहां पर कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि ऑफर फॉर सेल नहीं है, यानी पूरा का पूरा ये आईपीओ फ्रेश इशू है, जो कि मेरे लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। आप सभी को बताएं मेरे को वो आईपीओ बहुत ज्यादा पसंद होते हैं जो फ्रेश इशू होते हैं। तो फ्रेश इशू का मतलब है जो पैसा आएगा वो कंपनी के पास जाएगा, प्रमोटर्स के पास नहीं जाएगा। आगे बात करें एम्प्लॉय डिस्काउंट रखा गया है यहां पर ₹15 पर शेयर का। इशू टाइप रखे तो बुक बिल्ड इशू है, लिस्टिंग NSE BSE दोनों पर होने वाली है। उसके बाद आगे बात करते हैं यहां पर बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की, तो 5 जुलाई को यहां पे अलॉटमेंट अनाउंस हो जाएगी। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली तो रिफंड आ जाएगा 6 जुलाई को। आगे बात करें डीमैट अकाउंट में क्रेडिट की डेट है 7 जुलाई और लिस्टिंग होने जा रही है यहां पे 10th ऑफ जुलाई को। उसके बाद बात करूं अगर आप आईपीओ लास्ट डे अप्लाई करोगे दैट इज 30th जून को, तो आपको 5 बजे से पहले अपना मैंडेट एक्सेप्ट कर लेना है। तो अगर आप मैंडेट एक्सेप्ट करना भूल गए तो आपका जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो जाएगी, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना। अब बात करते हैं रिटेल लॉट की, तो रिटेल लॉट में एक लॉट आएगा जिसमें आप 56 शेयर लगाओगे, अमाउंट रहेगा 14,840। ध्यान रहे ये ऑलरेडी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, तो इसीलिए रिटेल लॉट में एक ही लॉट अप्लाई करें। अगर आप चाहते हो कि आपको अलॉटमेंट के चांसेस आपके इंक्रीज हो जाए तो आप ज्यादा से ज्यादा डीमैट अकाउंट ओपन करो। आप फादर के नाम पे, मदर के नाम पे, ब्रदर सिस्टर उन सभी के नाम पे डीमैट खोलो, उनके उनके अकाउंट से भी एक एक लॉट अप्लाई करो। इससे आपके चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे आईपीओ अलॉटमेंट के, क्योंकि लकी ड्रॉ बेसिस पे अलॉटमेंट होती है। और डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो एंजल वन, अपस्टॉक्स, पेटीएम मनी, धन, किसी के साथ भी फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। फ्री अकाउंट ओपनिंग है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओपन करने के बाद आप हमारे क्लाइंट ग्रुप में ज्वाइन कर लोगे, वो भी फ्री में एक साल के लिए, तो उसका नंबर भी नीचे दिया गया है, उस नंबर पे कॉन्टैक्ट करना, हमारी टीम आपको ज्वाइन कर देगी हमारे प्राइम
टेलीग्राम चैनल में। आगे डिस्कस करते हैं यहां पर प्रमोटर होल्डिंग्स की। तो बिफोर आईपीओ प्रमोटर्स की होल्डिंग है यहां पे 92.84% और आफ्टर आईपीओ यहां पर होल्डिंग रह जाएगी 66.68%। उसके बाद बात करते हैं यहां पर फाइनेंशियल्स के बारे में। देखिए फाइनेंशियल्स को ध्यान से समझना क्योंकि फाइनेंशियल्स ही हमें बताएंगे कंपनी प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है। सबसे पहले बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की। तो 31 मार्च 2020 को इनका टोटल रेवेन्यू था 464.91 करोड़। 31 मार्च 2021 को इनका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो गया 636 करोड़ का। 31 मार्च 2022 को इनका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता है और पहुंच जाता है 728 सीआर का। और 31 मार्च 2023 को इनका रेवेन्यू टोटल हो जाता है 838 करोड़ का। यानी रेवेन्यू कंपनी का इंक्रीज हो रहा है, हर साल कंपनी ग्रोथ कर रही है। अब बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो 31 मार्च 2020 में कंपनी को लॉस हुआ था 6.7 करोड़ का। उसके बाद बात करें 31 मार्च 2021 को कंपनी को प्रॉफिट हुआ था 11 करोड़ के ऊपर का। 31 मार्च 2022 को कंपनी को प्रॉफिट हुआ था ऑलमोस्ट 40 करोड़ के आसपास का। और 31 मार्च 2023 को कंपनी को प्रॉफिट हुआ था 31.73 करोड़ का। तो अगर हम बात करें टोटल रेवेन्यू देखा तो टोटल रेवेन्यू काफी अच्छा इंक्रीज हो रहा है, बट प्रॉफिट जो है वो ठीक ठाक है। लॉस जो हुआ था इनको 31 मार्च 2020 को लास्ट लॉस हुआ था, वो भी हो सकता है कोविड की वजह से लॉस हुआ हो, बट ओवरऑल फाइनेंशियल्स ठीक ठाक है। अब आते हैं बोरोइंग्स की बात। बोरोइंग्स की अगर बात करें तो 261 करोड़ था 31 मार्च 2020 को, उसके बाद कम हुआ, थोड़ा और कम हुआ। अगर करंट की बात करूं 31 मार्च 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी का जो टोटल डेट है वो है 314 करोड़, यानी 314 करोड़। तो कंपनी के ऊपर डेट अभी है। आगे डिस्कस करेंगे कि डेट कंपनी उतार रही है या नहीं उतार रही, ऑब्जेक्टिव क्या आईपीओ का, उसमें हम डिस्कस करेंगे। अभी बात करते हैं कंपनी का कितना डेट है, तो वो है 314 करोड़ का। आगे बात करते हैं कुछ वैल्यूएशंस की। तो पी है कंपनी का 66.25, आरओई है 23.1%, आरओसीई है यहां पर 13.48%, ईपीएस है 10.07 और रिटर्न ऑन नेट वर्थ है 30.45%। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू, यानी कंपनी जो अपना आईपीओ ला रहे हैं उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। तो नंबर वन, फंडिंग इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, यानी जो पैसा आएगा उससे कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होता है उसे फुलफिल करा जाएगा। नंबर टू, फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको यहां पर फंड करा जाएगा इस फ्रेश इशू से। नंबर थर्ड, रीपेमेंट प्रीपेमेंट इन पार्ट और फुल सर्टेन ऑफ बोरोइंग, यानी जो इनकी बोरोइंग्स है 314 करोड़ की, या तो ये उसको पूरा चुका देंगे या उसकी पार्ट पेमेंट इस आईपीओ के पैसे से करने वाले हैं। नंबर फोर्थ, अचीविंग इन ऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू एक्विजिशन। अब आगे बात करें तो नंबर फोर्थ जो है वो है कि इन ऑर्गेनिक ग्रोथ भी अचीव करना चाहते हैं। और नंबर फिफ्थ, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस जो हर आईपीओ में होता है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, क्या हमें इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए लिस्टिंग गेन के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए, चलिए डिसीजन बताते हैं। सबसे पहले समझते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की। आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 106 रुपीस, ये मैं बता रहा हूं आपको 27 जून के अकॉर्डिंग, और अभी टाइम चल रहा है 9:30 बजे का जब मैं ये वीडियो आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 106 रुपीस का। अगर 100 रुपीस भी ये आईपीओ ओपन हो जाता है, 56 शेयर्स का लॉट है, तो हमें यहां पर प्रॉफिट देखने को मिलेगा, लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा अराउंड 5600 रुपीस का, यानी 5000 से ऊपर का लिस्टिंग गेन हमें इस आईपीओ में देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू करेंट ग्रे मार्केट प्रीमियम। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। आगे बात करें कंपनी की, तो कंपनी काफी अच्छी है, इनकी एंकर बुक्स भी अच्छी है और भी काफी अच्छी है, और फ्रेश इशू है। फ्रेश इशू में वैसे ही मैं पॉजिटिव रहता हूं क्योंकि सारा का सारा पैसा कंपनी के पास आ रहा है, कंपनी अपने बिजनेस एक्सपैंड करने में उसको यूज कर सकती है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप इस आईपीओ में ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हुए लिस्टिंग गेन के अलावा आप लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको अपना फाइनल डिसीजन देता हूं, तो मैं इस आईपीओ को लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करूंगा और मैं इसमें यूज करने वाला हूं अपनी 80-20 स्ट्रेटजी। अब आपको याद होगा 80-20 स्ट्रेटजी क्या है, अगर जो मेरी पुरानी वीडियोस देखते हैं, जो लगातार देखते आ रहे आईपीओ रिव्यू वीडियो, उनको पता है 80-20 स्ट्रेटजी मतलब 80% हम बुक करेंगे लिस्टिंग गेन वाले दिन और 20% बाकी हम होल्ड करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। तो मैं इस आईपीओ में यह स्ट्रेटजी यूज करूंगा, मैं इस आईपीओ को अप्लाई कर रहा हूं 80-20% के लिए, यानी मैं इस आईपीओ को लिस्टिंग गेन में बुक करूंगा 80% अगर मुझे मिलता है और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा 20% शेयर। इन केस मेरे को आईपीओ नहीं मिलता तो मैं इस आईपीओ में
मार्केट से उस टाइम बाय नहीं करूंगा। हो सकता है फ्यूचर में अगर वो सस्ता मिल रहा हो तो मैं बाय करूंगा, अदरवाइज अप्लाई कर रहा हूं फॉर लिस्टिंग गेन एंड लॉन्ग टर्म 80-20 स्ट्रेटजी के बेसिस पे। अब मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, जो मैंने आपको अपना ओपिनियन दिया है ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए, सिर्फ आपको गाइड करने के लिए है, इसको बिल्कुल भी एडवाइस मत समझना। और मेरा डिसीजन मेरे रिस्क एपेटाइट के बेसिस पे है, तो आपको आपका डिसीजन आपके रिस्क एपेटाइट और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही लेना है। तो ये डिस्क्लेमर है, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं आईपीओ में बिल्कुल सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, तो सोच समझ के करना, अगर नहीं समझ आ रहा तो फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेना। मैंने जो भी बातें करी है प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए। आज की वीडियो इतनी ही है, अगर आपके साइन डीएलएम आईपीओ से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूंगा। और जाते जाते मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, आप हमारी वेबसाइट www.financialadda.co.in पर जाके हमारी अमेजिंग मर्चेंडाइज चेकआउट कर सकते हो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी www.financialadda.co.in पर जाइए और हमारी अमेजिंग मर्चेंडाइज जरूर चेकआउट करिए। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।